आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किसी भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में पब्लिश करने का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। इस वीडियो में आप डेवलपर अकाउंट क्रिएट करने से लेकर एप्लीकेशन को पब्लिश करने तक का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर में कोई भी एप्लीकेशन पब्लिश करने के लिए पहले एक डेवलपर अकाउंट क्रिएट करना होता है, जिसके लिए $25 का वन टाइम चार्ज भी देना होता है। तो इसके लिए आप गूगल में सर्च करेंगे प्ले कंसोल और आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे डेवलपर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले आपको एक जीमेल आईडी चूज कर लेनी है जिससे आप ये डेवलपर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं $25 की आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। ये वन टाइम फीस है, एक बार आपको देनी होगी। उसके बाद आप जितने चाहे उतने एप्लीकेशंस इसी एक डेवलपर अकाउंट से पब्लिश कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी। पहले यहाँ पर आप पब्लिक डेवलपर नेम डालेंगे, मतलब कि आपको एक नेम डाल देना है जो भी आप प्ले स्टोर पर शो करना चाहते हैं। जैसे कि हमारा डेवलपर नेम है ईशान गुरु। इसके बाद आपको एक और ईमेल आईडी यहां पर डाल देनी है और यहां पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और क्रिएट अकाउंट एंड पे पर क्लिक करेंगे। $25 का आपको पेमेंट करना होगा, जो कि आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। यहाँ पर आप कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी मंथ ईयर CVV डालेंगे, कार्ड होल्डर का नेम डालेंगे और पाई पर क्लिक करेंगे। एक बार पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका डेवलपर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपको यहाँ गो टू प्ले कंसोल पर क्लिक करना है और ये है आपका डेवलपर अकाउंट, जहाँ से आप जितने चाहे उतने एप्लीकेशंस पब्लिश कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अब आपको आगे कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अपना पहला एप्लीकेशन पब्लिश करने के लिए आप यहाँ क्रिएट ऐप पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर डाल देना है, जो भी आप चाहते हैं कि प्ले स्टोर में शो हो। जैसे कि ईशान गुरु एप्लीकेशन का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर जो भी नाम रखना है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर लैंग्वेज चूज कर लेंगे। नीचे यहाँ पर आप चूज करेंगे आपका ये एप्लीकेशन ऐप है या गेम है। इसके बाद यहाँ पर आपको चूज कर लेना है आपका एप्लीकेशन फ्री है या पेड है। इसके बाद यहाँ डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसीज है, आप इनको यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और क्रिएट ऐप पर क्लिक करेंगे। आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आप यहाँ सेटअप यूअर ऐप में व्यू टास्क पर क्लिक करेंगे। आपको ये टास्क कम्प्लीट करने होंगे अपने एप्लीकेशन को पब्लिश करने के लिए। पहले आप ऐप एक्सेस पर क्लिक करेंगे। इसमें आप सिलेक्ट करेंगे कि आपके एप्लीकेशन में जितनी भी फंक्शनैलिटी है क्या वो बिना किसी स्पेशल एक्सेस के अवेलेबल है या कोई रेस्ट्रिक्शंस है, तो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे और सेव। इसके बाद डैशबोर्ड में वापस आएंगे। अभी यहां पर देखिए एक स्टेप को हम कंप्लीट कर चुके हैं, एड्स पर क्लिक करेंगे। सेकेंड स्टेप है आपके एप्लीकेशन में एड्स है या नहीं। जैसे कि हमारे एप्लीकेशन में एड्स है तो हम यस करेंगे और सेव। इसके बाद फिर से डैशबोर्ड। अब यहाँ कंटेंट रेटिंग पर क्लिक करेंगे, इसमें स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। पहले तो आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है जिस पर ये रेटिंग सेंड की जाएगी। इसके बाद आपको कैटेगरी चूज कर लेनी है कि आपका एप्लीकेशन किस कैटेगरी में आता है। जैसे कि हम चूज कर लेते हैं न्यूज। इसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप इनको यस नो करेंगे तो हम इन सबको यहाँ पर नो कर देते हैं। इसके बाद सेव और नेक्स्ट। आपके सामने रेटिंग आ जाएगी, तो आप यहां पर रेटिंग देख सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन को कौन कौन यूज कर सकते हैं। इसको हम सबमिट कर देते हैं। इसके बाद वापस से जाएंगे ऐप कंटेंट में। अब यहां पर हमें एक प्राइवेसी पॉलिसी देनी होगी, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी का URL डाल देना है। इसके बाद सेव। इसके बाद यहाँ पर आपको टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करनी होगी, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम 13, 15, 16, 17 और 18 एंड ओवर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट। क्या आपका एप्लीकेशन अनजाने में बच्चों को अपील करता है, इसको हम नो कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्राइवेसी पॉलिसी, एड्स, ऐप एक्सेस, कंटेंट रेटिंग, टारगेट ऑडियंस सब कुछ सेट कर दिया है। अब यहाँ पर एक न्यू फीचर आया है न्यूज एप्स का, तो आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपका एप्लीकेशन एक न्यूज एप्लीकेशन है जिसमें आप अपनी डेली न्यूज देते हैं तो आप यस करेंगे, वरना इसको नो करेंगे और सेव। इसके बाद डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने स्टेप्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ सिलेक्ट एन ऐप कैटेगरी एंड प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर
क्लिक करना है। इसमें यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है आपका एप्लीकेशन ऐप है या गेम है। इसके बाद यहाँ पर आप कैटेगरी चूज करेंगे आपका एप्लीकेशन किस कैटेगरी में आता है। जैसे कि यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं न्यूज एंड मैगजीन्स। इसके बाद यहाँ सेव करेंगे। इसके बाद मैनेज टैग्स पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर टैग डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ न्यूज, तो न्यूज से रिलेटेड टैग्स आ जाएंगे, आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से आप मैनेज टैग्स पर क्लिक करेंगे और भी टैग्स यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे आपका एप्लीकेशन इजीली सर्च में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिनसे हमारा एप्लीकेशन रिलेटेड है और इसके बाद अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डाल देनी है, अगर आप चाहें तो फोन नंबर और किसी वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हैं। इसके बाद सेव। इसके बाद आपको यहाँ सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नेम और यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है और यहाँ पर फुल डिस्क्रिप्शन डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन का एक आइकन अपलोड करना होगा, जैसे कि यहाँ पर इस एप्लीकेशन का ये आइकन है, तो जो भी आप यहां अपलोड करेंगे वो यहां पर शो होगा। अपना लोगो आप सिलेक्ट करेंगे और यहां पर अपलोड हो जाएगा। आपका लोगो 512 पिक्सल का होना चाहिए। इसके बाद नीचे यहां पर आपको एक फीचर ग्राफिक अपलोड करना होगा, ये आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपके फीचर ग्राफिक का क्या साइज होना चाहिए वो आप यहां देख सकते हैं। इसके बाद नीचे यहां पर आपको अपने एप्लीकेशन के कुछ स्क्रीनशॉट्स अपलोड करने होंगे, तो यहाँ पर अपलोड करेंगे। कम से कम 2 स्क्रीनशॉट और ज्यादा से ज्यादा 8 स्क्रीनशॉट्स आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इनका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या साइज होना चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई वीडियो URL भी डाल सकते हैं। इसके बाद सेव। इसके बाद आप डैशबोर्ड में आएंगे और नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले। इसमें आप कंट्रीज सिलेक्ट करेंगे कि किस कंट्रीज में आप इस एप्लीकेशन को पब्लिश करना चाहते हैं। Add countries, इसमें आप यहाँ पर सभी कंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हैं या जिसमें आपको अपने एप्लीकेशन को पब्लिश रखना है आप सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर टिक करेंगे और Add countries पर क्लिक करेंगे। ओके, 151 कंट्रीज में हम अपने इस एप्लीकेशन को पब्लिश कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट ए न्यू रिलीज पर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू रिलीज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू करेंगे, इसमें टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन की APK फाइल या फिर एप बंडल अपलोड कर देना है, जिसके लिए अपलोड पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपकी APK या फिर एप बंडल रखा हुआ है सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे, ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अपलोड होते ही यहाँ पर रिलीज का नेम अपने आप आ जाएगा। फाइल अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर आप रिलीज का नेम देख सकते हैं, वर्जन 1.0। इसके बाद आप नीचे यहाँ पर रिलीज नोट दे सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन में नया क्या है। जैसे कि ये फर्स्ट वर्जन है तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ इनिशियल वर्जन या इनिशियल रिलीज। इसके बाद इसको सेव करेंगे और यहाँ रिव्यू रिलीज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ स्टार्ट रोल आउट पर क्लिक करेंगे। रोल आउट, आपका एप्लीकेशन पब्लिश हो चुका है और ये रिव्यू में है। जैसे ही रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा तो ये प्ले स्टोर पर शो होने लगेगा। आप यहाँ व्यू रिलीज डिटेल्स पर क्लिक करके इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसके बाद आप डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं अपडेट रिव्यू में है। इसमें 3 hours से 48 hours तक का टाइम लगता है प्ले स्टोर में शो होने में। जैसे ही आपका एप्लीकेशन पब्लिश हो जाता है तो आप यही रेटिंग एंड रिव्यूज पर क्लिक करके रिव्यूज भी देख सकते हैं और आप उन रिव्यूज का रिप्लाई भी दे सकते हैं। इसके बाद जब आप चाहें अपने एप्लीकेशन को अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने का भी कंप्लीट प्रोसेस मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूं। सो इस तरीके से आप प्ले स्टोर में अपने एप्लीकेशन को पब्लिश कर सकते हैं।